नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, चीन सीमा पर स्थिति का जायजा लेने भारतीय सेना और एयरफोर्स के बड़े जवान पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जून में झड़प के बाद चीनी सीमा के करीब पहुंच चुके हैं भारतीय सेना के अतिरिक्त जवानों की भी होगी तैनाती। दूसरी बड़ी अपडेट, श्रीलंका के विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार। बोले, हमारी मातृभूमि को बचा लीजिए मोदी जी, आप ही हैं एक अंतिम आस। जी हाँ, ये बड़ी खबर, श्रीलंका से मदद की गुहार मांगी जा रही है। तीसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में दोस्तों कश्मीरी पंडितों पे ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 24 घंटे में 4 भयंकर हमले, कश्मीरी पंडित को मारी 3 गोली, वहीं एक जवान भी हुआ है शहीद। आखिर कौन दे रहा है चैलेंज, किसने ली जिम्मेदारी। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, इमरान खान का सेना ने छोड़ा साथ, कहा विदेशी साजिश वाली थ्योरी और जनता परेशान। इस थ्योरी को सेना ने भी नकारा। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां चीन ने कोरोना में मचाया कहराम, संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड, कई जगहों सेना ने संभाला मोर्चा, हालात हुए बेकाबू, तो वो हम आपको बताएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी, इमरान खान कैसे मुश्किलों में फंस गए हैं, वहीं श्रीलंका में हालात कैसे बेकाबू हैं, और सबसे बड़ा युद्ध जो चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच, आखिर न्यूक्लियर हमला क्यों करने वाला है रशिया, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, गोरखनाथ मंदिर में जो मुर्तजा जिसने हमला किया है उसकी भी सच्चाई हम आपको बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन सीमा पर स्थिति का जायजा लेंगे भारतीय सेना और एयरफोर्स के अफसर। बड़ी खबर, चीन सटे सीमा के करीब पहुंचे भारी भरकम सैनिकों का जमावड़ा फिर से हुआ। भारतीय सेना और एयरफोर्स के अधिकारी गर्मियों के बीच पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा LAC के पास स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक करेंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से गतिरोध चल रहा है। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना के कमांडर 6 अप्रैल से LAC के पास के क्षेत्रों में हवाई अभियानों पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में सेना के अधिकारी 18 अप्रैल को मिलेंगे और इन क्षेत्रों में सैन्य तैयारियों का भी चर्चा चल रहा है। हालांकि आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के सेना कमांडर 6 अप्रैल को LAC के पास क्षेत्रों के हवाई अभियानों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, किस तरीके से LAC के पास भारतीय सेनाओं की एक्टिविटी बढ़ती रहे और उनको मजबूती कैसे मिले, उन सारे मसलों पर चर्चा होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट, श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार। बोले, हमारी मातृभूमि को बचा लीजिए, वहाँ की जनता, वहाँ के विपक्षी नेताओं ने PM मोदी से की बड़ी मांग। दोस्तों, बड़ी खबर निकल गया है, जहां आर्थिक संकट से गुजर रहा श्रीलंका मदद के लिए भारत की ओर देख रहा है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिश प्रेमदासा ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने PM मोदी से आग्रह किया है कि संकट के इस समय में श्रीलंका का साथ दें, हमारी सहयोगी। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए श्रीलंका के विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से आएँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आएँ और प्रधानमंत्री मोदी जो है आर्थिक रूप से मदद करें और इस समस्या का हल निकालने में मदद करें। तो श्रीलंका भी लगातार PM मोदी को चाहता है। हम चलते हैं एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 4 आतंकी हमले, 3 गोलियां कश्मीरी पंडित को मारी और एक जवान शहीद। आपको बता दें, मेडिकल स्टोर संचालक कश्मीरी पंडित सोनू बलजी ने कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के दौरान भी घाटी नहीं छोड़े थे और पिछले 30 सालों से कश्मीर में रह रहे हैं। सोमवार 4 अप्रैल की शाम को दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के चित्रगाम इलाके में आतंकियों ने सोनू को गोली मार दी। बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों को लेकर जहाँ देश भर में कश्मीरी पंडित चर्चा का विषय हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कश्मीरी पंडितों को जो है चैलेंज कर रहे हैं वहाँ के आतंकी, गोली मार रहे हैं, और एक सेना के CRPF के जवान को भी गोली मार दी गई, जिसमें सेना का जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें, बाकियों का इलाज चल रहा है, लेकिन एक सेना इसे चुनौती के तौर पर ले रही है। एक और अपडेट, इमरान खान का पाक सेना ने भी छोड़ा साथ, कहा विदेशी ताकत, विदेशी साजिश वाली थ्योरी समझ से परे। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार भंग हो चुकी है। हालांकि इमरान खान विदेशी साजिश होने की बात कहकर अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने में सफल रहे हैं, लेकिन उनके इस दावे पर विपक्ष के साथ अब सेना ने भी सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान की सेना को इमरान के विदेशी साजिश वाली पर थ्योरी पर भरोसा ही नहीं।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक में सैन्य नेतृत्व ने इमरान खान के दावों को विपरीत कहा। उनके पास कहा ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके पीटीआई सरकार को हटाने की साजिश में अमेरिका शामिल था। 27 मार्च को प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी ने राजनयिक केवल पर चर्चा के लिए बैठक की थी और अब इस बैठक में पीटीआई सरकार ने दावा किया है कि उनके पास सबूत हैं पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका ने साजिश रची है, इस तरीके की उन्होंने ये बातें कही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। रूस के न्यूक्लियर हमले का पोलैंड को सताने लगा डर, अमेरिका से मांगा सपोर्ट। जी हाँ, दरअसल यूक्रेन के बाद अब पोलैंड को डर सता रहा है, पोलैंड को रख रहा है कि बड़े पैमाने पर यूक्रेनी जो है वो पोलैंड भाग खड़े हुए हैं। ऐसे में पोलैंड लगातार यूक्रेन का मददगार देश रहा है, रूस कभी भी पोलैंड पर भी हमला कर सकता है। रूस और पुतिन का दबाव बढ़ रहा है, पुतिन ने भी अमेरिका यूक्रेन और यूरोप पर पलटवार की पूरी रणनीति तैयार कर ली। बुका को लेकर रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई जो देर रात हुई। रूस का दावा है कि रूस बुका में नरसंहार की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई, एक साथ 400 से ज़्यादा सिविलियंस की मास ग्रेप का पता चला है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के पुतिन को वार क्रिमिनल करना शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ ICJ में जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस सब के बीच पोलैंड से बहुत बड़ी खबर सामने आई, जहाँ पोलैंड को रूस के न्यूक्लियर हमले का डर सताने लगा है। पोलैंड अब खुद को न्यूक्लियर पावर मुल्क बनाना चाहता है, पोलैंड ने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए अमेरिका से सपोर्ट मांगा है। पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका अगर चाहे तो हमारे देश में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है। पोलैंड का ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका ने दो पेट्रोलियट मिसाइलें पहले ही पोलैंड बॉर्डर पर तैनात कर दी हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर, श्रीलंका और पाकिस्तान से कैसे समझदार निकला नेपाल, चीन ने नहीं बिछा पाया अपना जाल, पहले ही आया भारत की शरण में। दरअसल दोस्तों, नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा पिछले सप्ताह भारत आए थे और उन्होंने अनौपचारिक तौर पर बातचीत बताया और कहा है कि चीनी विदेश मंत्री वांग वी से भी कह दिया कि हमें लोन की नहीं अनुदान की ज़रूरत है। यानी चाइना जो चीज़ें पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया था वही चीज़ें नेपाल के साथ भी करने वाला था और आने वाले समय में नेपाल में भी यही भुखमरी यही देश बिकना शुरू हो जाता, लेकिन नेपाल बच गया और भारत की शरण में आया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, इसके साथ ही चाइना को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमें चाइना से लोन की ज़रूरत नहीं है, चाइना अगर सपोर्ट कर सकता है हमें तो हमें अलग तरीके से सपोर्ट करे, लेकिन लोन देकर हमें इस तरीके से चीज़ें नहीं। दरअसल आपको बता दें, चीन की तमाम कोशिशों के बाद बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत नेपाल ने भी कोई करार नहीं किया और काठमांडू से वांग यी खाली हाथ लौट गए। नेपाल के फैसले को दक्षिण एशिया के अन्य देशों के मुकाबले समझदारी भरा ही कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत के साथ आकर चाइना को बड़ा झटका देना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाना चीन को, जो है नेपाल द्वारा चीन को ठेंगा दिखाना अब नेपाल की समझदारी और नेपाल की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। भारत की शरण में आने के बाद नेपाल के भी कहीं ना कहीं दिन अच्छे चल रहे हैं, यही कारण है कि अब नेपाल को भी लग रहा है कि अच्छी बात है। हम चलते हैं एक और अपडेट, चीन में कोरोना का कोहराम, संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड, कई जगहों सेना ने संभाला मोर्चा, घर में कैद हुए लोग। दोस्तों, चीन में आए दिन कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और यहाँ 27 से अधिक प्रांत कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,412 नए मामले सामने आने की पुष्टि हुई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद से सबसे अधिक है। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,581 केसेस दर्ज किए गए हैं। देश के कई प्रांतों में बेहद ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरियंट फैल गया है, जिनमें लोगों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चीनी प्रशासन ने देश की वित्तीय राजधानी शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, यहां 2 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों की कोरोना जांच के लिए सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। आपको बता दें, शहर में 28 मार्च को 2 चरणों में लॉकडाउन की शुरुआत है और सेना जो है मोर्चा संभाले हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, भारतीय वायुसेना का Mark II UAV राजस्थान के जैसलमेर में हुआ क्रैश, मामले की जांच शुरू, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, जहां भारतीय वायुसेना का एक मानव रहित विमान सोमवार को राजस्थान के जैसलमेर में एक उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सरकारी अधिकारी ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं लगा चल सका है, जाँच से जुटी दुर्घटनाओं के कारणों का पता चलेगा। साथ ही कहा है कि सर्चर Mark II AB टैंक आपके तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के
एयरवेज की सीमा के पास गिर गया। ये भी एक परीक्षण मिशन था। और वहीं मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद की एक कंपनी देश की सीमा सुरक्षा बलों के अनुकूल निगरानी उपकरणों पर शोध किया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के मामले में सुनवाई आज हो रही है। पाकिस्तान में अदालत ने लिया था केस स्वतः का संज्ञान। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है जहां 5 जजों की पीठ जो है वो सुनवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर नहीं मिली कोई चिट्ठी, शहबाज शरीफ ने ये बातें कही। पाकिस्तान में बेरोजगारी से लोग लगातार हालात ख़राब हो चुके हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अब टूट के कगार पे है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों, इस्तीफा न देने पर अड़े राष्ट्रपति गोटबाया, कहा 113 सीटों का बहुमत साबित करने वाली पार्टी को सौंप दूंगा सरकार। श्रीलंका को वित्तीय और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा है, लोग खाने ईंधन और दवाओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। देश का मौजूदा विदेशी मुद्रा को सिर्फ 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गया है। इसी बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन वो पद पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो संसद में 113 सीटों का बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को सरकार सौंपने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने भाई और वित्त मंत्री वेसल राजपक्षे को बर्खास्त कर दिया। साथ ही देश के सभी विपक्षी दलों से एकता सरकार में शामिल होने की अपील की। गौरतलब है कि श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वेसल ने मौजूदा विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में श्रीलंका की मदद के लिए भारत से आर्थिक राहत पैकेज की भी बातचीत की थी और उसकी जगह अली साबरी की नियुक्ति किया गया है। तो इस तरीके से श्रीलंका जो है हालात ख़राब हो चुके हैं और ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है गोरखपुर में। आपको बता दें, ISIS से प्रेरित है मुर्तजा, लैपटॉप में मिले सीरिया के वीडियो, संग छोड़ चुकी पत्नी से भी होगी पूछताछ। गोरखनाथ मंदिर में तैनात PAC जवानों पर हमले का आरोपी मुर्तजा क्या ISI की विचारधारा से प्रेरित था? बताया जा रहा है कि मुर्तजा के लैपटॉप में सीरिया के वीडियोज़ मिले हैं, उनमें कई वीडियोज़ विभत्स हिंसा के हैं। उधर UP ATS ने इस मामले के चौतरफा जाँच शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि मामले में मुर्तजा की पत्नी साथ छोड़ चुकी है से भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही ATS मुर्तजा की ट्रैवल हिस्ट्री भी कमाल रही है। इसी बीच अपने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन CM आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कमिश्नर, ADG, IG, DM, SSP समेत तमाम अधिकारी गोरखपुर मंदिर तलब किया। सोमवार शाम गोरखपुर पहुंचे CM तीसरी बार उच्चाधिकारियों की बैठक की है और कड़े और बड़े निर्देश दे दिए हैं। तो दोस्तों, ISIS से प्रेरित मुर्तजा की कुंडली जो है वो खंगाली जा रही है और अब कहीं ना कहीं शिकंजा जो है और बढ़ सकता है, इसमें और लोगों के नाम भी आ सकते हैं। एक और अपडेट, द कश्मीर फाइल कलेक्शन 25वें दिन, द कश्मीर फाइल ने की अब तक की सबसे कम कमाई, आंकड़ा सुन उड़ जाएंगे। जी हाँ, 25वें दिन जो है वो सबसे कम कमाई रहा। हालांकि आपको बता दें, अब बड़े पैमाने पे कमाई हो चुकी है। 250 करोड़ रुपए के क्लब में एंट्री लेने में पूरी तरीके से तैयार है। 25वें दिन की बात करें तो द कश्मीर फाइल 1 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ ही अनुपम खेर स्टार फिल्म कुल अब तक 245 करोड़ यानी लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो लगभग कर चुके हैं। वर्ल्ड वाइड पार कर गया है 300 करोड़ रुपए का वो आंकड़ा। जी हाँ, द कश्मीर फाइल की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है वो 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो यही है कि आंकड़ा जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन